आप देख रहे हैं दृष्टि नाव, नजर हर खबर पर। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव राजीव तिवारी ने मोटरसाइकिल में गांजा व हथियार प्लांट पर एक दरोगा व दो होमगार्ड जवान पर फंसाने का आरोप लगाया है। एसएसपी को दिए गए शिकायत पत्र में कहा गया है कि धुरवा स्थित टोटल पुल स्थित उनके क्वार्टर पर 26 अप्रैल की शाम 7:30 बजे धुरवा थाना के दरोगा विवेक कुमार बगैर वर्दी के सशस्त्र बल के साथ पहुँचे और पूछा कि आपकी बाइक की डिग्गी कहाँ है। हालांकि बाइक में कोई डिग्गी नहीं थी, तब उन्होंने फोन पर बात कर टूल बॉक्स खोलने को कहा। बॉक्स में गांजा व हथियार मिले। वहीं उन्हें धुरवा थाने ले जाया गया और कहा गया कि घर से पैसे मंगाओ। उन्होंने उनकी पत्नी को कॉल किया और 65,000 रुपए लिए और छोड़ दिया। दरअसल राजीव तिवारी ने ही होमगार्ड बहाली मेधा सूची में अनियमितता की बात उठाई थी। गड़बड़ी को लेकर मैं लगातार आवाज़ उठाता रहा हूं। विगत दिनों उपायुक्त महोदय के द्वारा होमगार्ड जवानों की मेधा सूची प्रकाशित की गई थी। उस मेधा सूची में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और खामियां थी, जिसको लेकर मेरे द्वारा लगातार पत्राचार और मीडिया में समाचार दिया जा रहा था। विगत दिनों 21 अप्रैल को गणेश शर्मा होमगार्ड का एक जवान है, जिसने मेरे से मोटरसाइकिल मांगा और मोटरसाइकिल ले जा गया पेट्रोल भराने के नाम पर, और उसके बाद वो मेरे गाड़ी में हथियार प्लांट कर दिया, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। दिनांक 26 अप्रैल को रात्रि 7:30 बजे के बाद धुरवा थाने के दरोगा विवेक कुमार मेरे घर आए और आने के बाद उन्होंने सादी वर्दी में थे, आने के बाद उन्होंने कहा कि आप अपने गाड़ी का डिक्की खोलिए। तो मैंने कहा मेरे गाड़ी में डिक्की नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं डिक्की था। फिर पता नहीं किससे वो दूरास पे बात किए, बात करने के बाद कहा कि उन्होंने कि आप मोटरसाइकिल टूल बॉक्स खोलिए। जैसे ही मैंने टूल बॉक्स खोला, टूल बॉक्स के अंदर एक प्लास्टिक में गांजा और हथियार था उसमें, और उसके बाद वो मेरे जिप्सी में बैठा कर मुझे थाने ले गए। जैसे ही मुझे थाने ले गए, मैंने उन्हें कहा कि सर मेरा गाड़ी गणेश शर्मा ले गया, आप गणेश शर्मा को पकड़िए, फिंगरप्रिंट की जाँच की। जैसे मैंने फिंगरप्रिंट की जाँच करने के लिए कहा, उन्होंने तत्काल झोला में से निकाल कर रिवॉल्वर को अपने हाथ में ले लिया, और हाथ में लेने के बाद वो कहे कि ज़्यादा हल्ला कीजिएगा तो फिर आपको जेल जाना पड़ जाएगा। मैंने कहा कि मैं जेल क्यों जाऊँगा, फिंगरप्रिंट की जाँच की। मैंने बार बार कहा, लेकिन वो मुझे लगातार प्रताड़ित करने लगे, परेशान करने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको मैं फ़ोन दे रहा हूँ, अपने फ़ोन से अपनी पत्नी को फ़ोन कीजिए, व्हाट्सअप कॉल कीजिए। उन्होंने मुझे मेरे फ़ोन से व्हाट्सअप कॉल कराया पत्नी को, मैंने पत्नी को सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा बात है, ये लोग पैसे की मांग कर रहे हैं। उनके द्वारा 65,000 रुपये का मांग किया गया था, जिसके बाद मेरी पत्नी, मेरे साला और मेरे बेटा के साथ थाने आई, और थाने आने के बाद मेरा जो साला था वो जाके एक रूम था कोना में, उसी रूम में जाकर विवेक कुमार 65,000 रुपया लिए। 65,000 रुपये दो पार्ट में लिए, 40,000 और 25,000 का बोले अलग अलग करके मुझे दीजिए। वैसे 65,000 रुपया लेने के बाद आपने लेटर लिखा है, हाँ 65,000 रुपया ले लिए। लेने के बाद जो है कि मुझसे पीयर बॉन्ड भरवाया गया और पीयर बॉन्ड बनवा कर मुझे छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद फिर मैंने 29 अप्रैल को इसकी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से एसएसपी महोदय को दी। मैंने दूरभाष से उनको फ़ोन करके सारी बातें बताई, जिसके बाद एसपी महोदय ने मुझे बोला कि आप आइए कलेक्ट्रेट में मिलिए, 313 रूम नंबर में मुख्यालय डीएसपी 1 नीरज कुमार सर के पास। जब मैं उनके पास गया, सारी बातें उन्हें बताई, तो उन्होंने कहा ठीक है आप लिखित आवेदन दीजिए। जब मैंने 30 तारीख को लिखित आवेदन दी, तो देखिए प्रशासन ने कैसी मिली भगत है। जैसे ही मैंने आवेदन दिया, 20 मिनट के बाद फिर विवेक कुमार का फोन मेरे पास आया व्हाट्सअप कॉल का, और उन्होंने कहा कि आपने मेरे खिलाफ में आवेदन दिया है, आपको कौन बचाएगा, आपको हम बर्बाद कर देंगे। इस तरह का ठीक है, क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि इसकी अच्छी तरह से जाँच की जाए और जो भी दोषी उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग कभी भी मेरे साथ किसी भी तरह की घटना कर सकते हैं, मेरी जान भी जा सकती है। इसलिए मेरी प्रशासन से, सरकार से गुहार है, इस मामले पर अच्छी तरह से जांच की जाए।